once again. अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, कराची में फाइनली जो सर्दियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और कराची में सर्दियां आने के बाद थोड़ी बहुत सर्दियां आती थी, ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन कराची में आ गई हैं सर्दियां, और काफ़ी अच्छा मौसम जो है वो हो चुका है, और ठंडी ठंडी जो हवाएँ हैं वो कराची में चलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कराची में, अमूमन के जो कराची में सबसे अच्छी चीज़ है वो है सूप्स यहाँ के। तो अभी हमने जो है वो कुछ सूप से स्टार्ट किए हैं, और आज से हम अपने एक ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे कि हम हर न्यू जगह का जो सूप है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखे हुए आज हमने फ़र्स्ट जो सूप है वो ऑर्डर किया है घर पे, और उस सूप को हम कहते हैं हॉट एंड सॉर्ट, जो कि हमने मंगवाया है जिन सॉय से। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और अपने सूप को जो है वो हम पीते हैं, और टेस्ट करके आपको बताते हैं रिव्यू कि सूप कैसा है। ठीक है जी, तो फाइनली फैमिली हमारी आ चुकी है, अजान भी मौजूद हैं, हमारी वाइफ भी मौजूद हैं, वरदान भी मौजूद हैं, और जो सूप है वो ओपन हो रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ ये सूप जो है वो आया है, और साथ में इसके जो क्रैकर्स होते हैं वो भी मौजूद हैं, और सूप के कुछ इसके बॉक्स के अंदर जो है वो इसके इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो कि एक्स्ट्रा अगर आप यूज़ करना चाहें, जिसमें सोया सॉस वगैरह होती हैं, और चिली होती है, रेड चिली, ग्रीन चिली, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। चलें फिर सूप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर। गाइस, सूप का जो हमारा शॉपर है वो ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी सॉसेज भी अवेलेबल हैं। अजान, कौन कौन सी सॉसेज हैं ये हमारे पास? है विनेगर, ठीक है, और चटनी। ये चटनी नहीं है, ग्रीन सॉस है ये हमारी। चले सही है। और ये इनकी एक बहुत स्पेशल सॉस होती है, रेड चिली नहीं है, ये हॉट एंड सॉर वाली होती है, डिफरेंट है इनकी। और साथ में क्रैकर्स भी हैं, और ये एक बॉक्स है, इसके अंदर जो सूप है मेन वो मौजूद है। ब्लैक वाली भी है, बिल्कुल ब्लैक वाली भी है। चले हम अपनी वाइफ को बोलते हैं कि चले स्टार्ट करें, इसको अनबॉक्स करें। जी फाइनली बाउल के अंदर जो है वो सूप जा रहा है। अच्छा, इस सूप के अंदर हमने दो चीज़ें ऐड करवाई हैं, इसमें चिकन भी है, चिकन के साथ साथ इसमें प्रॉन्स भी हैं, और ये दोनों चिकन एंड प्रॉन्स का हॉट एंड सॉर सूप है। जी अर्सला, बहुत ही कोई यमी सूप है, और गरम इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें प्रॉन्स की क्वान्टिटी और चिकन की क्वान्टिटी कोई बहुत ही बेस्ट तरीके से जो है वो लोगों ने ऐड की हुई है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही यमी सूप लग रहा है, और अब हम आपको पी के भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। चलेगा इस, तो फिर हम इसको अभी पहले तो पीते हैं, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें, और उसके बाद फिर इसका जो रिएक्शन होगा साथ साथ वो भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस, सूप हमें जो है वो सर्व कर दिया गया हमारी वाइफ की तरफ से। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो प्रॉन्स हैं उसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, चिकन की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, और साथ में क्रैकर्स भी अवेलेबल हैं। अजान के लिए भी सूप निकल चुका है। जी तो आप पिए और फिर टेस्ट हमें कन्फर्म करें कैसा है, ठीक है? तो गाइस, इसके साथ हम क्रैकर्स भी खाएंगे और आपको फिर बताते हैं। तो गाइस, इस एक बाउल के अंदर आपको जो है वो इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें प्रॉन्स भी आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे अवेलेबल हैं, और साथ में इसमें चिकन की क्वांटिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, और साथ में इसमें एग्स भी हैं। तो आई थिंक ये सूप जो है अभी तक जो मेरा जो मैंने इसमें इसको अभी कंज्यूम किया है जितना, उसके मुताबिक तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग सूप है, इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है। और बाकी हम बच्चों से पूछते हैं कैसा है। अजान, आपको कैसा लगा ये सूप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, इस सूप की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसके अंदर आप प्रॉन्स देख सकते हैं, प्रॉन्स कोई बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के अंदर इसमें ऐड हुआ है, मैं चिकन भी ऐड हुई हुई है, और क्रैकर्स तो बहुत ही मज़ा दे रहे हैं इसके साथ। जस्ट ये कि कराची के आप जितने हॉट एंड सॉर ट्राई करेंगे उसमें मेरा तो फेवरेट जो है वो ये वाला सूप है। तो इंशाल्लाह फर्दर हमारी अपकमिंग सीरीज़ के अंदर हम आपको और सूप भी ट्राई कराएंगे,
पर ये सूप बेस्ट है, नो डाउट। तो गाइस फाइनली सूप हमारा जो है वो हमने पी लिया सबने, और हमने सबने दो दो बाउल पीने के बावजूद भी हमारा जो सूप है वो अभी इस क्वांटिटी में अच्छा खासा बच गया है, जो कि अब कल इस्तेमाल होगा। और इस वक्त जो मिर्चों का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। आसान कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये हॉट एंड सावर था तो मुझे गर्मी लगी, इसलिए मैं जैकेट उतार दी और सावर भी जी असला। सूप बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था, मेरा फेवरेट सूप था। तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, अब आप देख सकते हैं तकरीबन हम लोग दो दो बाउल्स पी चुके हैं, बट फिर भी हमारी अच्छी खासी क्वांटिटी अवेलेबल है, और हमारे पास क्रैकर्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सूप इंशाल्लाह हम कल इन्जॉय करेंगे। तो आज सर्दी का फर्स्ट डे था, उसमें आपको जलफ्राई का एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि बेस्ट एक्सपीरियंस था। फिर नेक्स्ट सीरीज में हम आपको एक नए सूप के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए चले गाइस। तो अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं हम, और वरदान भी आपको अल्लाह हाफिज कह रहे हैं, बाय बाय, ठीक है। और अपने व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को लाजमी तौर पे इस पे आप लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अपना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।